ये घोड़ा खड़ा क्यों नहीं हो रहा है, ये घोड़ा चल क्यों नहीं रहा, हिल क्यों नहीं रहा है। तो उसके पास गए कि भैया आप क्या हुए बताओ, बोला मतलब, बोला 149 घोड़े जो हमने बांधे थे वो खोल दिए, वो चलने के लिए तैयार है, मगर जो एक घोड़ा था जिसको हमने बांधा ही नहीं था वो खड़ा ही नहीं हो रहा, वो चल ही नहीं रहा। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मन, कहते ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हमने ढेर सारे है ना अपनी जिंदगी में है ना ढेर सारी चीजें बना ली, ढेर सारे घोंसले बना लिए दिमाग में, किसी की सुन के, किसी की मान के, किसी को देख के कि भैया नहीं ये तो चीज ऐसे ही होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसानी कमजोरी और ताकत के बीच का अंतर है ना उसका विश्वास होता है। अगर वो खुद पे विश्वास करे तो हर कमजोरी उसकी ताकत बन जाती है। तो मैंने जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं कि जो कई परंपराएं चली आ रही हैं। चाहे एक से मैंने पूछा कि भैया ये काम क्यों करते हो, बोला मेरे फादर साहब करते थे। मैंने कहा वो क्यों करते थे, बोला उनके फादर साहब करते थे। तो मैं छोटी सी कहानी बता रहा हूं कि ये आपके मन को और आप में जो जो कील ठोक रखी है ना पुरानी, वो कील बहुत निकाल देगी। एक बार क्या था कि एक काफिला था, बहुत काफिला यानी उसमें तकरीबन 150 घोड़े थे और कई आदमी थे, वैसे गुजर रहे थे किसी रास्ते से, अनजान रास्ते से। तो उन्होंने देखा कि भैया रात हो गई है, अब कहाँ हम रुके, कहाँ क्या करें। तो वो है ना एक सराय, मतलब सराय कोई छोटा सा होटल टाइप था, उसने रात को पहुंचे कि भैया रात हो गई, हमारे पास ढेर सारे ये पशु हैं, घोड़े हैं, हमें रात गुजारने का दे दो। बोला भैया मेरा तो बहुत सराय छोटी है। बोला कोई नहीं, जो आपका मैदान है हम घोड़ों को यहां बांध देंगे और हम आस पास ही कहीं कुछ कमरे में ठहर जाएं, कुछ तंबू लगा लेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो वो 150 घोड़े थे ना, उनके पास 149 यानी 149 रस्सी थी और कील थी। अब रात हो गई, उन्होंने 149 घोड़े बांध दिए और एक घोड़ा रह गया। तो वो उस मालिक के पास गए कि भैया देखो हम है ना वो खूंटी, वो कील और रस्सी बुलाए हैं, एक घोड़ा बांधना है, बाकी सब बांध दिए हैं तो दो ना। वो बोला भैया मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, ये छोटा सा ये बना रखा था, अब इतनी रात को मैं कहां से लेके आऊंगा, वो तो है नहीं मेरे पास। बोला हाँ एक रास्ता बता सकता हूं। बोला बताओ। बोला एक कील ठोक दो और रस्सी बांध दो। बोला बगैर कील ठोक दो रस्सी बांध दो कैसे। बोला एक काम करना, ये कील है ना घोड़े को दिखाओ कि आप कील ठोक रहे हो, दो तीन थोड़े बार जमीन में, और रस्सी घोड़े को दिखाओ कि आप उसे गले में रस्सी बांध रहे हो। बोला ऐसे कैसे। बोला करके तो आओ। उन्होंने क्या किया कि रात को पहुंचे और जो 149 घोड़े उन्होंने बांध दिए थे, 149 जो हॉर्स थे उन्होंने बांध दिए थे, एक घोड़ा रह गया था। तो उन्होंने क्या किया कि उस घोड़े को दिखाया कि मान लो कील ठोक रहे हैं और रस्सी उसे गले में बांध दी कि, और उसको बोला बैठ जाओ। घोड़ा बैठ गया, सो गए। सुबह हुई तो क्या हुआ कि 149 घोड़े थे उन्होंने खोल दिए, स्टार्ट हो गए, जो 150वां घोड़ा था खड़ा ही नहीं। अब उन्होंने देखा कि भैया ये तो बड़ी दिक्कत है, खड़ा हो तो उसको चलने के लिए बोले चले नहीं। अब उसके पास वो सोचा कि भैया ये कोई जादूगर तो नहीं था, इस कुछ कुछ टोना टोटका तो नहीं किया उस इंसान ने, इसको हमने बांधा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो ये घोड़ा खड़ा क्यों नहीं हो रहा है, ये घोड़ा चल क्यों नहीं रहा, हिल क्यों नहीं रहा है। तो उसके पास गए कि भैया आप क्या हुए बताओ, बोला मतलब, बोला 149 घोड़े जो हमने बांधे थे वो खोल दिए, वो चलने के लिए तैयार है, मगर जो एक घोड़ा था जिसको हमने बांधा ही नहीं था वो खड़ा ही नहीं हो रहा, वो चल ही नहीं रहा। बोला एक काम करो, आपने उसकी कील खोल दी, कील निकाल दी, गले से रस्सी खोल दी। बोला नहीं। बोला खोल दो। बोला मतलब, बोला जैसे आपने उसको दिखाया था वैसे ही होकर के खोल दो। तो उन्होंने वैसे ही दो चार थोड़े उसमें मारे जमीन में, जैसे कील उखाड़ रहे हैं और उसे गले से ऐसे कर रस्सी उखाड़ रहे हो, तो देखा घोड़ा चलने लग गया, स्टार्ट हो गया। तो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं, ये कील है ना और ये रस्सी हमने बांध रखी है। कहां बांध रखी है, अपने दिमाग में, हमने नहीं ढेर सारे उसमें। उस सराय के मालिक ने पता क्या बात बोली कि भैया ये तो जानवर है जो कील रस्सी से बैठ गया। अरे इंसान बैठे रहते हैं कील रस्सी से, जो माइंड में लगा के बैठे रहते हैं हम, वो तो सिर्फ जानवर था। मैं कह रहा हूं जो कील रस्सी है ना ये सिर्फ दिमाग का वो है। हमने ढेर सारे भ्रम डाल रखे हैं कि भैया उसने बोला अगर सफल होना ना तो ये काम करना पड़ेगा, उसने वीडियो बना दिया भैया सफल होना ना तो रात को पढ़ना पड़ेगा, रात जागना पड़ेगा। ये सब कील है ना पता नहीं हमारे दिमाग में किसने गाड़ रखी है। मैं आप सबको बता रहा हूं, अगर आपको अपना दिमाग फोकस रखना है, सफल होना है, तो इन कीलों को निकाल दो। एक चित होके सोचो कि भैया मुझे इस लक्ष्य पे जाना है और कोई कील, कोई खूंटी नहीं गाड़नी, कोई रस्सी नहीं बांधनी है, बिल्कुल स्ट्रेट।
बिल्कुल सही दिशा में अपना पूरा 100% उसमें लगाने की कोशिश करनी है। तो मैं कह रहा हूं आपका दिमाग क्या, जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी है जो हमें सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती। अब कई मुझे बोलते हैं, बहुत ने मुझे बोला कि भैया जो ये मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, हम इसके आगे, एक मेरा दोस्त हमें भी हाथ जोड़ता था, वो भी हाथ जोड़ रहा था, तो मैंने पूछा क्यों, बोला अगर नहीं जोड़ते ना तो फिर भगवान जी बुरा मान जाता है, वाहिगुरु बुरा मान जाता है, अल्लाह बुरा मान जाता है। तो पता है क्या कि देखो भगवान है हर जगह है, मैं वही बात कह रहा हूं, मगर जो खूंटी गाड़ रखी है ना हमने कि मैं कहीं भी एक मूर्ति रख दूंगा तो वहां पे सब हाथ जोड़ेंगे, तो वो खूंटी गाड़ रखी है हर जगह। मैं बता रहा हूं कि आप सबको कह रहा हूं कि जो दिमाग ने अपने फालतू के भ्रम पैदा कर रखे हैं ना, जो ढेर सारे भ्रम है कि भैया ये करना तो ये होगा, उसने वो बोला तो वो किया, उसने ये किया, उसने बोला कि भैया ये आप ये कर लो, ये टोटका कर लो, ये सब कर लो, ये अंगूठी पहन लो, या यहाँ पे सब कर दो। मैं कह रहा हूं कि भैया अपना फोकस रहो, अपने माता पिता की इज्जत करो, उनके पैर दबाओ, गुरुओं की इज्जत करो और दूसरे इंसानों का जरिया बनो और अपना दिमाग फोकस करो। आपका दिमाग फोकस हो गया ना, जो आपने फालतू कील है और रस्सी खोल दी ना, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो भी आपका लक्ष्य आप पहुंच सकते हैं, बस बशर्ते आपको वो कील और वो रस्सी दिमाग से निकालनी होगी। हम फ्री हैं, जिंदगी किसने दी है, परमात्मा ने, और ले कौन सकता है, परमात्मा, और परमात्मा कहाँ है, वो हर कण कण में है, वो हमारे अंदर भी है। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं आपको, ये कहानी भी आपको बड़ा सा फायदा देगी। जब मालिक ने, भगवान ने है ना, परमात्मा ने दुनिया बनाई ना, तो इंसान उसने बनाया लास्ट में, और इंसान बनाने के बाद उसने कुछ नहीं बनाया, पता है क्यों, क्योंकि उसे जानता था कि भैया इंसान बना दिया बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि नीचे आते इंसान ने अपना सारा रंग रूप दिखाना स्टार्ट किया। तो उसने बाकी से पूछा कि भैया क्या करूं मैं, क्या करूं, बोला एक काम करो तुम छिप जाओ, पहाड़ों में जाओ, किसी हिमालय पे जाओ, बोला जो मेरा बड़ा इंसान है ना मैं जानता हूं ढूंढ लेगा, बोला आसमान में जाओ, चांद तारों में छिप जाओ, बोला मेरा बना जो मेरा बनाया हुआ इंसान है ना वहां में ढूंढ लेगा, मैं जानता हूं उसको, भले ही 10 साल बाद, 15 साल बाद, 50 साल बाद, ऐसी कौन सी जगह है। तो फिर किसी ने उसको सलाह दी, तो बोला तुम एक काम करो ना, उसके जाके दिल में छिप जाओ, वहां नहीं ढूंढ पाएगा उसको है ना, वो परमात्मा को मालिक को बात अच्छी लगी। क्या है कि हम है ना दुनिया भर दुनिया जान की चीजें घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, कभी यहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी यहां मन्नत मांगते हैं, कभी वहां कुछ करते हैं, हर जगह जाते हैं, मगर जो परमात्मा हमारे दिल में बैठा है ना, हम उसको कभी ढूंढते हैं ही नहीं, हम बाहर ढूंढते रहते हैं, बाहर खोजते रहते हैं, बाहर ये सारी चीजें करते रहते हैं। तो मैं आप सबको बता रहा हूं कि भैया हर चीज आपके अंदर है, आपको अपना मन स्ट्रोंग करना है, अपना माइंड स्ट्रोंग करना है, आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है, तो यहाँ पे यहां से वो करो जो ये कहता है ना वो ये मानता है, यहां से आपने फील किया और ये मानने लग गया ना, तो समझ लो आपने सब कुछ हासिल कर लिया, आपने कील खोल दी, वो रस्सी निकाल दी, तो सारी चीजें हो गई। तो मन के माने हार है और मन के माने जीत। किसी ने मेरे से पूछा कि भैया आपकी जिंदगी में ना आपको सबसे ज्यादा हर्ट क्या करता है, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा हर्ट मुझे करता है जो मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ, जो मैं किसी से भी उम्मीद करता हूँ, एक्सपेक्टेशन करता हूँ, जो मैं सामने वाले से उम्मीद करते हैं, और सबसे अच्छा आपका दोस्त है वो है आपका आत्मविश्वास। तो याद रखो बस ये 3 चीजें क्या हो जिंदगी में आप सब कुछ पा सकते हो सक्सेसफुल।